आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि बिंदु लैम्डा घटा लैम्डा वृत्त x की 2 जमा y की 2 घटा 4x जमा 2y घटा 8 बराबर 0 के अंदर स्थित हो तो लैम्डा के मानों का परिसर ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक फलन लिखना होगा fxy। ये हम मान लेते हैं इस समीकरण में जो x और y के पदों में ये एक फलन बना है, इसे हम मान लेते हैं fxy। और हमें दिया गया है लैम्डा घटा लैम्डा, यह बिंदु इस वृत्त के अंदर स्थित है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि f लैम्डा घटा लैम्डा हमेशा शून्य से छोटा होगा। तो इस प्रकार यदि हम x का मान लैम्डा और y का मान घटा लैम्डा रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की घात 2 जमा में घटा लैम्डा की घात 2 घटा 4 लैम्डा जमा 2 गुणा में घटा लैम्डा घटा 8। और यह शून्य से छोटा है क्योंकि लैम्डा घटा लैम्डा वृत्त के अंदर स्थित है। अब यदि हम इसे हल करें तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा की घात 2 घटा 4 लैम्डा घटा 2 लैम्डा घटा 8 शून्य से छोटा है। 2 लैम्डा की घात 2 घटा 6 लैम्डा घटा 8 शून्य से छोटा है। और यदि हम दोनों पक्षों को 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, लैम्डा की घात 2 घटा 3 लैम्डा घटा 4 शून्य से छोटा है। अब यदि हम इसके गुणनखंड करें तो वो हमारे पास क्या होंगे, लैम्डा घटा 4 और लैम्डा जमा 1 शून्य से छोटा है। इसके गुणनखंड ये कैसे हुए, 4 और 1 इन्हें हम गुणा करें तो 4 आ जाता है और घटा 4 जमा 1 घटा 3 होता है। तो इस प्रकार अब यदि हम देखें तो संख्या रेखा द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। यहाँ से लैम्डा घटा 4 बराबर 0 रखें तो लैम्डा का मान 4 आएगा और लैम्डा जमा 1 बराबर 0 रखें तो लैम्डा का मान घटा 1 आएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं घटा 1 और यहाँ 4। अब 4 से बड़ा यदि हम लैम्डा का मान रखें तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा, धनात्मक। और यदि इनके बीच का कोई भी मान हम लैम्डा की जगह रखें तो ऋणात्मक हो जाएगा और इससे छोटा रखेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। जैसे कि घटा 1 से छोटा घटा 2 होता है, हम यहाँ घटा 2 रखें तो घटा 2 घटा 4 और यहाँ पे घटा 2 जमा 1 तो ये घटा का हो गया और ये भी घटा का हो गया, इन्हें गुणा करेंगे तो जमा का आ गया। तो इस प्रकार यहाँ धनात्मक होगा। हमें ज्ञात करना है 0 से छोटा, मतलब इसे हमें शून्य से छोटा रखना है। तो उसके लिए लैम्डा का मान घटा 1 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर लैम्डा का मान क्या आ जाएगा, घटा 1 से और 4 के बीच में। तो यह हमारे पास आ जाएगा लैम्डा का परिसर, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, लैम्डा के मानों का परिसर घटा 1 और 4 इन दोनों के मध्य। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।